नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक है पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। नवदिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आजमगढ़ के अतरौलिया में शुभारंभ हो गया है। हाथी घोड़े पाल के संग कलश यात्रा निकली है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 34वें वर्ष भी समाधि स्थित संत ब्रह्मलीन बाबा कल्पनादास जी महाराज, पंचप्रणव बाबा एवं ब्रह्मलीन संत मौनी जी महाराज की प्रेरणा से पंडित कल्पनादास स्मारक सेवा संस्थान पंचप्रणवा आश्रम बड़का खपूरा टंडवा अतरौलिया द्वारा आज शुक्रवार लोक कल्याण हेतु श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इसमें हाथी घोड़े पालकी पर सवार महाराज जी की भव्य झांकी के साथ कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा पचपड़वा आश्रम से होते हुए पटेल चौक, रोडवेज केसरी चौक, थाना रोड होते हुए कैलेश्वर धाम पहुंची, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। तत्पश्चात पुनः समूह माता मंदिर होते हुए कलश यात्रा पचपड़वा आश्रम पर सम्पन्न हुई। इस नौ दिवसीय महायज्ञ में वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ हवन आदि कार्यों में मानस मर्मज्ञ विनोदानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज के द्वारा संगीतमय श्रीराम कथा प्रवचन में उपदेश दिया जाएगा। तत्पश्चात वृंदावन की प्रसिद्ध रास मंडली द्वारा स्वयं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक रासलीला का भव्य आयोजन होगा। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति भंडारा कार्यक्रम 18 मार्च दिन शनिवार को होगा। आयोजक मानस मर्मज्ञ पंडित चंदेश जी महाराज भागवताचार्य ने बताया कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु तथा लोक कल्याण हेतु लगातार 34 वर्षों से लोक कल्याण हेतु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ कर अमृतमयी रामकथा का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात वृंदावन से पधारे हुए कलाकारों द्वारा रासलीला का आयोजन किया जाएगा, जो देर रात तक चलेगा। ये सुनाते हैं कि पंडित चंदेश जी महाराज ने क्या कुछ कहा। विगत 34 वर्षों से कार्यक्रम महायज्ञ का इस आश्रम पचपड़वा आश्रम पर चल रहा है और क्षेत्र के जन सहयोग से कार्यक्रम प्रतिवर्ष बड़े कुशलतापूर्वक संपन्न होता है और आज से लेकर के 18 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा। पूर्णाहुति और भंडारा के साथ समापन होगा, जिसमें वृंदावन के रासलीला मंडल के द्वारा लीला खेली जाएगी, लीला का मंचन होगा और प्रयागराज से पधारे श्री विनोदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है उनके मुखारविंद से। यहाँ पचपड़वा आश्रम से होकर के पटेल मोड़ होते हुए, रोडवेज होते हुए, केसरी चौक होते हुए हम लोग कैलेश्वर स्थान पहुँचेंगे। वहाँ से सम्भ माता स्थान का दर्शन करते हुए हम लोग वापस पुनः आश्रम के लिए आएंगे। कल मंडप प्रवेश और कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और लीला रात्रि में 7 बजे से 12 बजे तक मंचन की जाएगी।